हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अधान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है यू। इसका सीजन 2 आया और सीजन 2 तब आता है जब लोगों ने सीजन 1 काफी पसंद किया था। और मैं बता रहा हूँ आपको, सीजन 2 वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज में से एक थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सीजन 1 जरूर देखना, और सीजन 1 आपको देखना भी पड़ेगा क्योंकि सीजन 1 की जो कहानी जहां पर खत्म होती है वहीं से सीजन 2 शुरू भी होता है। अगर आप लोगों को सीजन 1 नहीं देखा तो देखिए, मेकर्स ने काफी अच्छा चीज किया। वो यही किया कि सीजन 2 की शुरुआत में आपको रिकैप के थ्रू सीजन 1 में क्या कुछ हुआ था वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन खैर, मैं आपको बताता हूँ फिर भी। सीजन 1 की कहानी शुरू थी पैन बेंटले यानी कि जो से, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर इस दोनों ही सीजन के, जो एक बुक स्टोर में काम करता है, उसकी मुलाकात होती है बेकी से यानी कि एलिजाबेथ लाल से। पहली नजर में जो बेक को पसंद करने लगता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो ने एक लड़की से धोखा खाया जिस लड़की का नाम है कैंडिस, जो कि हमें सीजन 1 की एंड में नजर आती है। तो वो धोखा किस वजह से खाया, क्यों खाया था, उसका सही जवाब तो आपको सीजन 2 में ही मिलेगा। खैर, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो को कैंडिस से धोखा मिला तो इस वजह से वो बेकी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करके बेकी पर नजर रखता है कि बेकी क्या करती है, किससे मिलती है, उसके कौन कौन दोस्त, बेकी क्या काम करती है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो बेकी से दोस्ती करता है और बात आगे बढ़ाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होता है उनकी जिंदगी में, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीजन 1 देखना पड़ेगा। और जितना सिंपल कहानी लग रही है ना, आप एक बार देखना फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सीजन 1 किस तरह से आपको लगा था। क्या सीजन 1 की एंड में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसके बारे में आपको पता है कैंडिस, वो दोबारा लौट के वापस आ जाती है, वहीं पे जो शॉक हो जाता है और जो व्यूवर से वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो के मुताबिक उसने उस लड़की को मार दिया था, तो वो लड़की वापस कैसे आई। तो इसका जवाब हमें सीजन 2 में मिलता है। सीजन 2 की शुरुआत में कैंडिस जो से बोलती है कि अब मैं तुमसे बदला लेकर होगी, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन मैं वहां से किसी भी तरीके से बच के निकल गई थी, लेकिन अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो जो डर के मारे एलए यानी कि एक नए शहर लॉस एंजलिस भाग कर आया था, यहाँ आने के बाद एक नई आइडेंटिटी अपनाता है, साथ साथ वो रहने के लिए रेंट पर एक घर लेता और एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है। उसी स्टोर की मालकिन लव, जिसका यहाँ पे रोल प्ले किया विक्टोरिया, उसको पसंद करने लगता है, विक्टोरिया और लव भी उसे पसंद करने लगती है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीजन 2 देखना पड़ेगा। लेकिन सीजन 2 में आपको सिर्फ जो और लव की लव स्टोरी ही नहीं, मगर उसके अलावा आपको काफी सब प्लॉट देखने को मिलेंगे, और क्या कैंडिस जो उसे बदला लेती है जो उसके साथ उसने किया था, वो सब कुछ जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। तो सीजन 2 अपने आप में एक अलग तरीके का बनाया गया, सीजन 1 से इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं, क्योंकि सीजन 1 मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, सीजन 2 भी अच्छा लगा था, लेकिन बीच के जो उसके 3 एपिसोड थे, पांचवा छठा सातवा, कहीं कहीं मुझे खल रहा था, मतलब थोड़ा स्लो लग रहा था। उसके अलावा सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से लिखे गए, दोनों ही सीजन बनाए गए एक नॉवल पे, जिस नॉवल को लिखा था कैरोलिन केप्स ने, तो दोनों ही सीजन बहुत जबरदस्त है। स्पेशली यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा इसके मेन एक्टर यानी पैन बेंटले की एक्टिंग। पैन बेंटले ने इतना जबरदस्त एक्टिंग किया है कि आपको उसी की वजह से आप दोनों ही सीजन देखते हो और आप कहीं से भी बोर होते नहीं हो। उसके अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स है जितने भी, सभी ने अपने हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह से किया। सीजन 2 में एक और अच्छी बात बताए वो है जो के कैरेक्टर को लेकर आएंगे, उस बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, उसकी मॉम डैड के बीच में क्या हुआ था, जिस वजह से वो प्यार के लिए इतना दीवाना, इतना पागल है, ये सब कुछ हमें बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छी तरीके से सीजन 2 में बताया। मेरे हिसाब से इतना बोलूंगा, अगर आपको बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना है तो आप ये वेब सीरीज को जरूर देखते हैं। ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, और अगर आपको ये इंग्लिश में देखना तो ये इंग्लिश में भी देख सकते हो। लेकिन इस सीजन 1 और सीजन 2 को मिस बिल्कुल ना करना, कुछ अलग हटके देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, ये बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया, क्योंकि इसमें काफी एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलेंगे और काफी वॉयलेंस भी देखने को मिलेगा, तो उस लिहाजे से ये ना बच्चों के लिए है ना ये फैमिली के लिए, मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया शो है, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया जो कि सबको पसंद आएगा और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। चलते हैं, बाय।